यूपी की दबंग आईएएस अफसर बी चंद्रकला एक बार फिर चर्चा में हैं। आमतौर पर भ्रष्ट और निकम्मे अफसरों को सरेआम डांट पिलाने के लिए सुर्खियों में रहने वाली चंद्रकला इस बार खुद विवादों के घेरे में हैं। देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने खनन घोटाले के संबंध में शनिवार को 14 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें चंद्रकला का लखनऊ और नोएडा में स्थित आवास भी शामिल है। चंद्रकला का जन्म आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। उसने हैदराबाद के कोटी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद उसने पत्राचार द्वारा अर्थशास्त्र में एमए की। पति के प्रोत्साहन पर चंद्रकला ने यूपीएससी की परीक्षा देने का निर्णय लिया। वह 2008 बैच की यूपी काडर की आईएएस अधिकारी है। उसकी पहली नियुक्ति फूलपुर के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में हुई थी। उसके बाद वह मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर समेत कई जिलों की डीएम रह चुकी है। बतौर डीएम चंद्रकला ने अपनी छवि एक दबंग अफसर के रूप में बना ली थी। 2016 में चंद्रकला ने बुलंदशहर में एक लड़के को इसलिए जेल भिजवा दिया था कि उसने चंद्रकला के साथ सेल्फी खींच ली थी। इस संबंध में जब एक पत्रकार ने फोन किया तो चंद्रकला ने कहा कि तेरी माँ बहन या बीवी के साथ किसी अनजान मर्द की फोटो खींचने देगा क्या। जब इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया तो चंद्रकला ने इस आवाज के अपनी होने से मना कर दिया। 2016 में ही मेरठ की डीएम के रूप में काम करते हुए चंद्रकला एक सरकारी स्कूल के दौरे पर गई थी। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न दे पाने पर चंद्रकला ने बच्चों के सामने ही टीचर की क्लास लगा दी थी। अपने दबंग कारनामों के कारण चंद्रकला सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय रही है। चंद्रकला के विकास कार्यों की जांच के दौरान अफसरों को डांट पिलाने के वीडियो समय समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। फेसबुक पर चंद्रकला के कई फैन पेज हैं। व्हाट्सएप पर उसके नाम से ग्रुप चल रहे हैं। फेसबुक पर चंद्रकला खुद भी एक्टिव रहती है। यूट्यूब पर चंद्रकला के वीडियो की भरमार है। 6 अगस्त 2018 को चंद्रकला ने मेट्रो ट्रेन में अपना एक फोटो शेयर किया था। इस फोटो को 76,000 लाइक, 4,000 कमेंट और 2600 शेयर मिले थे। सोशल मीडिया पर चंद्रकला की लोकप्रियता अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा है। राज चाहे बसपा का हो या सपा का, चंद्रकला की गुड्डी हमेशा आसमान में ही रही है। अखिलेश यादव के राज में 15 अक्टूबर 2016 को चंद्रकला का तबादला मेरठ से बुलंदशहर कर दिया गया था। उस समय चंद्रकला छुट्टी मनाने के लिए दुबई गई हुई थी। चंद्रकला ने उसी रात फैक्स और ईमेल के जरिए बुलंदशहर के डीएम का चार्ज संभाल लिया था। देश में किसी आईएएस अफसर द्वारा विदेश में रहते हुए ऑनलाइन चार्ज संभालने का यह अकेला मामला है। लेकिन भाजपा के साथ चंद्रकला की पट्टी नहीं बैठ सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव के समय चंद्रकला मेरठ की डीएम थी। भाजपा ने चंद्रकला पर सपा की तरफदारी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। योगी सरकार बनने के बाद चंद्रकला को केंद्र सरकार के पास डेपुटेशन पर भेज दिया गया। मार्च 2018 को चंद्रकला को वापस लखनऊ भेजा गया था। ताजा सूचना के अनुसार इस समय चंद्रकला स्टडी लीव पर चल रही है। दोस्तों आइए अब जरा खनन घोटाले और इसमें लेडी सिंघम के नाम से मशहूर चंद्रकला की भूमिका की बात भी कर लेते हैं। वर्ष 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को वर्ष 2012 से 2016 के बीच हुए खनन घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई ने 2 जनवरी को तीसरी एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर हमीरपुर जिले में अवैध खनन से संबंधित है। चंद्रकला 2012 से 2014 तक हमीरपुर की डीएम थी। चंद्रकला पर आरोप है कि उसने खानों के आवंटन के लिए निर्धारित ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। इस मामले में सीबीआई के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछताछ की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। 2013 तक खनन विभाग का कामकाज उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पास रखा हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।